पीएफआई का बड़ा पीएफआई पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। इधर गृहमंत्री उत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया, मध्य प्रदेश देश विरोधी गतिविधियां यहां पर नहीं बढ़ पाएंगी, ये गढ़ नहीं बन पाएगा देश विरोधी गतिविधियों का, यह बात कही नरोत्तम मिश्रा ने। प्रदेश से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यह बात कही नरोत्तम मिश्रा ने। पीएफआई पर केंद्र सरकार ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है, यह बात कही होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने। पूछताछ के आधार पर कार्रवाई की गई है, यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ पाई है। एक एक स्लीपर सेल को ढूंढ कर कड़ी कार्रवाई होगी, प्रदेश में कानून का राज है, कोई नहीं बचेगा, ये बात कही सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। देश भर में हुई पीएफआई हत्याओं में पीएफआई संगठन का हाथ है, इस बात का जिक्र भी किया नरोत्तम मिश्रा ने। पीएफआई के सभी कनेक्शन और सक्रिय सदस्य निकाले जाएंगे, गिरफ्तार हुए लोगों से सख्ती से पूछताछ होगी। देशभर में एनआईए की छापेमार कार्रवाई के बाद पीएफआई पर एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। पीएफआई की रेड के दौरान मध्य प्रदेश से भी 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे। सर, 25 लोगों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है और साथ ही एक बड़ा कदम यहाँ पर केंद्र सरकार का। राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा कल 21 लोगों को पकड़ा था, जो 4 लोग पहले 3 इंदौर और 1 उज्जैन के पकड़े गए थे, उनसे मिली जानकारी और अन्य अन्य जानकारियों के आधार बना के 21 लोगों को कल, ऐसे कुल 25 लोग हो गए हैं। इनसे पूछताछ के बाद में अगर कोई और स्लीपर सेलें होंगी तो वो भी पकड़ी जाएंगी। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ शिवराज सिंह की सरकार है और कानून का राज्य है, कोई नहीं बख्शेगा। सर, कल जो बड़ी कार्रवाई हुई उसमें SDPI के कार्यालय पे छापा पड़ा था, उसमें टैगलाइन थी खौफ से आजादी, तो किस तरीके के खौफ से ये आजादी मांग रहे हैं और किस तरीके का ये संगठन बनाने में जुटे हुए हैं? ये खौफ फैलाने के लिए कर रहे हैं। इनके जितने सबूत मिले हैं, ISI से इनकी लिंकें मिली हैं, इनके जो हत्याओं से जुड़े, केरल में हत्या जो की गई थी, तमिलनाडु में की गई थी, ओडिशा में की गई थी, सब गजट नोटिफिकेशन में स्वयं केंद्र सरकार ने दिया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इनकी संलिप्तता स्पष्ट रूप से आ गई है। आगामी चुनाव का समय है, बड़े नेताओं के दौरे लगातार, चुनाव नहीं है इस वर्ष में, इसलिए कोई ऐसी बातें तो वो लोग कर रहे हैं जो आधार खो चुके हैं। चुनाव कभी भी हो देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि बाकी दल तो आप देख रहे हैं क्या स्थिति है राजस्थान की, अभी महाराष्ट्र से निपटे हैं। सर, चुनाव का समय है, बड़े नेताओं के दौरे लगातार जारी रहेंगे, तो उसमें भी क्या ये टारगेट पर हो सकते थे कोई नेता, क्योंकि लगातार संगठन के ये कोई राज्य का नहीं है, ये 21 प्रांतों में अलग अलग प्रदेश के राष्ट्र के हिस्सों में छापे पड़े हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक की है केंद्र सरकार ने आंतरिक सुरक्षा को लेकर, बाह्य सुरक्षा को लेकर पहले की थी, ये आंतरिक सुरक्षा है, इसलिए यहाँ अकेले प्रदेश की कार्रवाई नहीं है, चुनाव से जोड़ रहे हैं आप। सर, एक और चीज, जो लगातार जो लोग सक्रिय है पीएफआई के, तो क्या उनके जांच कनेक्शन पूरे निकाले जाएंगे और भी लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार? पूरे जांच कनेक्शन निकाले जाएंगे, जितनी स्लीपर सेल होंगी सब निकाली जाएंगी और सब पे कार्रवाई करेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि जितनी भी स्लीपर सेल या सक्रिय लोग मध्य प्रदेश में होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। कैमरा विजय शेषकर के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज 24 भोपाल।